हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है वो है नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। और जो टॉपिक आज हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे रीजनिंग में दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण का मतलब होता है शीशा, जो आप सबके घर में होगा। तो किसी भी आकृति को, किसी भी अक्षर को, किसी भी संख्या को शीशे में देखने पर वो किस तरीके से दिखती है, इस पर आधारित सवाल आपको रीजनिंग जो टॉपिक आता है इस प्रवेश परीक्षा में उसके अंतर्गत पूछे जा सकते हैं या मोस्टली पूछे ही जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि किसी आकृति को जब दर्पण में देखते हैं तो वो आकृति किस तरह दिखाई देगी। आज जो प्रश्न कराएंगे आपको हम ये वाले प्रश्न हैं। देखिए, ये 20 प्रश्न आपको हम आज पढ़ाएंगे। उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि देखिए, ये ABCD जो होती है, सबसे बहुत ज़रूरी है ये, ए से लेके जेड तक की जो हमारी संख्याएं अल्फाबेटिकल हैं, अक्षर हैं, ये जब दर्पण में दिखते हैं तो ये कैसे दिखते हैं, ये जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, ए जब दर्पण में देखते हैं तो ए को हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, ए जैसा है वैसा ही रहता है। बी जो है दर्पण में देखने पर इस तरीके से हो जाता है, ये आपको इसकी इमेज अपने दिमाग में बैठा लेनी है हर किसी की। सी ऐसा हो जाता है, डी ऐसा, ई ऐसा, एफ ऐसा, जी ऐसा, एच ऐसा, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। मैंने यहाँ पर सभी की दर्पण इमेज लिख रखी है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि कुछ जो इसमें अल्फ़ाबेट हैं वो ऐसे हैं जिनकी दर्पण इमेज सेम होती है, वो आप ज़रूर याद रखें। ए की सेम होती है, देखिए, और किसकी सेम है, H की सेम है, I की सेम है, M की सेम है, O की सेम है बिल्कुल, और यहाँ पर T की सेम है, U, V, W, X, और अगर Y हमारा, देखिए Y दो तरीके से बन जाता है। अगर हमारा Y इस तरीके से बन रहा है तो इसकी भी दर्पण इमेज बिल्कुल सेम होगी, पर अगर हमारा Y इस तरीके से बन रहा है जैसे मैंने बनाया तो इसकी दर्पण इमेज फिर होगी ऐसी, और जेड की हमारी नीचे हमने दे रखी है। अब मैं चलता हूँ छोटी ABCD पर, उनकी दर्पण इमेज कैसी होगी, क्योंकि प्रश्न उनसे भी पूछे जा सकते हैं। तो छोटी ABCD में देखिए, ABC मैंने यहाँ पर सारे लिखे, ई ऐसे दिखेगा, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। आप इन सभी दर्पण इमेजों को भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें मेरी इस वीडियो में जो मैंने बना रखे हैं, और फिर इसे कॉपी पर बनाकर अपने आप प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद जो है वो है हमारी गिनती। गिनतियों की जब हम दर्पण इमेज बनाएंगे तो वो कैसी दिखेंगे, देखिए, एक ऐसा दिखेगा, दो ऐसा दिखेगा, तीन, और देखिए चार दो तरीके से बन जाता है, ऐसे ही बन जाता है, और ऐसे भी, अगर ऐसे बन रहा तो ऐसे इमेज आएगी। वैसे हमारी मोस्टली किताब में इस तरीके से बना होता तो इसकी दर्पण इमेज ये आएगी। पाँच ऐसे होगा, छः ऐसे होगा, सात, आठ और नौ। जीरो का तो दर्पण इमेज जीरो ही होगी, वो बदलेगी नहीं, ठीक है। तो इसमें हर संख्या की केवल आठ को छोड़कर आठ की दर्पण इमेज बिल्कुल सेम है, बाकी सबकी दर्पण इमेज बदल रही है। अब जो दर्पण वाले सवाल हैं, अब आते हैं सवालों की तरफ। दर्पण वाले जो सवाल हैं हमारे, उसमें सबसे मेन बात जो है, सबसे मेन पॉइंट, इस बात को आप याद रख लेंगे तो कोई सा भी सवाल दर्पण वाला आप कर देंगे। देखिए, दो तरीके के प्रतिबिंब होते हैं, होते तो वैसे तीन तरीके के हैं, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब और कांच प्रतिबिंब। तो आपके कोर्स में दर्पण प्रतिबिंब तो है ही, जल प्रतिबिंब के प्रश्न भी पूछा सकते हैं, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो हमारी आकृति है, जैसे ये पहला सवाल है, जो हमारी आकृति है इसका जो बाएं तरफ जो दे रखा है, यानी कि उल्टी तरफ वाला भाग हो जाता है सीधी तरफ, और सीधी तरफ वाला भाग हो जाता है उल्टी तरफ, यानी कि बाएं का दाएं में पहुंच जाता है और दाएं का बाएं में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पहुंच जाता है, और दर्पण में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। इसी बात को आप याद रखेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब के सवाल को पेपर में जरूर सही कर पाएंगे। तो जैसे पहला सवाल, अब हम सवाल करवाएंगे आपको, 20 एग्जाम्पल हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आप और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग उतनी ही आपकी मजबूत होगी। तो पहला सवाल है हमारा, देखिए, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। ये हमारी आकृति दी हुई है और दर्पण में देख देखिए, ये जो लिखा हुआ है, ये जो दिया हुआ है नीचे, इसमें दर्पण बना हुआ है। आपको गौर करने वाली बात यह है, एक बात और बता दूं, दर्पण देखिए कहाँ पर बना हुआ है हमारे, उस बात पर भी गौर करना है। अगर दर्पण हमारा इधर नीचे बना हुआ है, यहाँ पर अगर नीचे बना हुआ है तो इसमें ये ध्यान देना कि हमारी ऊपर वाली चीज़ नीचे हो जाएगी, नीचे वाली चीज़ ऊपर पहुँच जाएगी। और अगर दर्पण हमारा इस तरफ बना हुआ होगा ऐसे,
तो हमारा क्या होगा, दायां वाला बाएं हो जाएगा, बाएं वाला दाएं। इन दो चीज़ों को आपको याद रखना है। दर्पण अगर नीचे बन रहा है तो ऊपर वाली चीज़ नीचे हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर, और अगर दर्पण हमारा इस तरफ बन रहा है इस तरफ, तो जो दाएं वाली चीज़ है वो बाएं और बाएं वाली चीज़ है वो दाएं हो जाती है। तो इसमें दर्पण हमारे नीचे दे रखा है सवाल में, ठीक है। और बाकी सवालों में दर्पण हमारा देखिए इसमें इस तरफ है, देख रहे हैं आप, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल में बताया था। और आगे के सवालों में देखते हैं, आगे के सवालों में भी इस तरफ ही है दर्पण। तो केवल वो सवाल हमारे चार ऐसे हैं जिनमें दर्पण नीचे की तरफ है और बाकी सब में दर्पण दाईं तरफ रखा है। तो दोनों तरीके के सवाल मैंने कवर किए हैं। ज़्यादातर सवाल वैसे दाईं तरफ वाले आते हैं, पर नीचे वाला सवाल भी चार है तो हम इन्हें देख लेते हैं। पहले शुरुआत इन्हीं से करते हैं। तो इसमें हमारी इस आकृति को बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा जबकि दर्पण रखा है नीचे। तो देखिए दर्पण नीचे रखा तो ऊपर वाली जो चिन्ह है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि तीर का निशान ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, और ये वाली चीज़ ऊपर हो जाएगी, यानी कि ए जो ऐसे बन रहा है वो सीधा हो जाएगा और बी जो ऐसे बन रहा है, बी का तो बी ऐसे ही बनेगा। तो इसकी दर्पण प्रतिबिंब होगा ए बी, तीर नीचे और ये क्रॉस का मार्क ऊपर। तो कौन सा सही है इसमें हमारा, ये हमारा ये वाला उत्तर इसमें सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। इसमें भी दर्पण नीचे है तो नीचे वाली चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर वाली यानी कि त्रिभुज जो इस तरीके से बन रहा है हमारा, वो हमारा हो जाएगा सीधा, ठीक है। और ये जो इसके ऊपर है चीज़ वो ऐसे होके नीचे यहाँ पर आएगी। तो इसमें देखिए कौन सा विकल्प सही है हमारा, इसमें पहला विकल्प इसमें हमारा सही है। अगला है हमारा तीसरा, इसमें देखते हैं, देखिए दर्पण प्रतिबिंब इसकी बनाएंगे तो नीचे वाली चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी केवल, बाकी कुछ नहीं होगा, यानी कि ये जो आकृति बन रही है नीचे ये पहुंच जाएगी ऊपर और ऊपर वाली आकृति आ जाएगी नीचे। तो कौन सा विकल्प सही होगा, गौर से देखेंगे हम। देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे इसमें पहले विकल्प में दे रखा है कि ये चीज़ यहाँ पहुँच गई, वो नहीं पहुँचेगी। वो कब पहुँचेगी, जब हम दर्पण को यहाँ पर रखेंगे, है ना। तो इसमें तो नहीं पहुँचेगी, इसमें तो केवल इस वाली चीज़ का ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। तो हमारा इसमें, और ये ना त्रिभुज चेंज होगा ना कुछ चेंज होगा, देखिए मिले जुले से दे रखे हैं, त्रिभुज भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो ये वाला उत्तर हमारा सही है, ठीक। चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल है इस आकृति का भी यही प्रतिबिंब बनाना, तो ऊपर वाली आकृति नीचे आएगी, नीचे वाली ऊपर। तो ये जो हमारा देखेंगे गौर से, सबसे पहले पहली आकृति पर गौर करते हैं, तो ये हमारा पहली आकृति में ये वाला सही है और दूसरी आकृति में हमारा ये वाला ही सही है, यानी कुल मिला के ये वाला उत्तर हमारा इसका सही होगा। तो आपको समझ में आया होगा, अगर दर्पण हमारा नीचे रखा है या जल प्रतिबिंब की बात कहेगा तो ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी और नीचे वाली ऊपर। अब हम करेंगे उन सवालों को जिनमें दर्पण रखा है दाईं तरफ यहाँ पर। तो इन सवालों में क्या होगा, उल्टे हाथ वाली चीज़ सीधे हाथ पर पहुँच जाएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड पर और राइट वाली लेफ्ट पर, यानी कि जो इधर है वो इधर आ जाएगी और जो इधर है वो इधर आ जाएगी। जैसे पहला सवाल है हमारा, इसमें देखते हैं, पहले सवाल में देखिए हमारी आकृति, यहाँ पर दर्पण रखा है ये वाला, तो जो हमारी चीज़ इस तरफ बन रही है ये वाली चीज़, ये हमारी पहुँच जाएगी इस तरफ, और जो इस तरफ ये लाइन खींच रही है वो पहुँच जाएगी हमारी इस तरफ ऐसे, यहाँ पर ऐसे पहुँच जाएगी वो लाइन, ठीक है। तो आकृति देखते हैं कौन सी मैच करेगी। तो देखिए इसकी उल्टी इमेज देखिए, सबसे पहले जो आंसर हमारे गलत हों उन्हें हम काट देंगे। तो ये आंसर गलत, क्योंकि इसमें नीचे आ रहा है जबकि नीचे नहीं जाएगा, ये केवल इधर आएगा। तो हमारा ये वाला उत्तर इसका देखिए सही है, क्योंकि ये इमेज यहाँ बाईं तरफ है और यहाँ पर आ गई है ये दाईं तरफ, ये रेखा यहाँ बाईं तरफ है और यहाँ पर आ गई है ये, यहाँ पर आ गई है ये दाईं तरफ, ठीक है। तो कौन सा उत्तर सही है हमारा, ये वाला, यानी कि बाएँ का दायाँ करना, दायाँ का बाएँ। जैसे इस सवाल में देखिए, इसमें भी मिरर जो है यहाँ रखा है, तो इसमें ये वाली आकृति जो है हमारी ये दाईं तरफ पहुँच जाएगी, तो ये काला हिस्सा भी हमारा इस तरफ आ जाएगा, सफ़ेद हिस्सा इस तरफ आ जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सी इमेज सही होगी इसकी, ये वाली देखिए इमेज, ये वाली इमेज इसकी हमारी सही होगी, ठीक है। अगला देखते हैं, क्योंकि ये उल्टा हो जाता है पूरा ही, बायां का दायां तरफ, दाएं का बायां तरफ, जैसे ये वाला हिस्सा यहाँ पर ज़्यादा था तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा देखिए ज़्यादा हो गया, ये कम था तो देखिए कम वाला आ गया इस तरफ। जो इस तरफ उल्टे हाथ की तरफ है वो सीधे हाथ की तरफ हो जाता है, और जो सीधे हाथ की तरफ है वो उल्टे हाथ की तरफ हो जाता है। अगला सवाल करते हैं, देखिए इसमें देखिए इस आकृति के देखिए मिरर इमेज क्या बनेगी। मिरर इमेज के लिए ये वाला हिस्सा देखिए, सबसे पहले वो जो गलत आंसर है वो काट दीजिए। तो गलत आंसर में केवल देखिए ये वाला आंसर साफ गलत लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के बीच में ज़्यादा गैप है, यहाँ पर बहुत कम गैप दे रखा है,
तो इसे तो काट दो। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इस आकृति जो हमारी मिरर इमेज है इसमें लेफ्ट साइड राइट में पहुंचेगी, जबकि इसमें लेफ्ट में दे रखी है लाइनें, तो ये भी हमारी क्या होंगी, गलत। अब केवल बचे हमारे पास ये दो विकल्प। इसमें भी हम ये देखेंगे कि जब ये इसमें लाइनें लेफ्ट साइड में खिंच रही हैं और इसमें दोनों में लाइन राइट साइड में आ गई, बिल्कुल सही है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है हमारा, केवल इन दोनों में चेक करना है कि यहाँ पर इस तरफ लाइन है, यहाँ पर इस तरफ आ गई, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर लाइन है, यहाँ जा रही है, और यहाँ पर आ गई, ठीक है जी। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, इसमें सी वाला विकल्प हमारा इसमें सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में देखेंगे क्या है, इस सवाल में देखिए यहाँ पर ये वाली लाइन यहाँ पर खिंच रही है, वो लाइन देखिए इसमें खिंच रही है और इसमें खिंच, यानी कि जो बाईं तरफ है वो दाईं तरफ आएगी, तो ये वाला आंसर तो बिल्कुल गलत हो गया, इसे तो छोड़ दीजिए। इसके बाद ये लाइन यहाँ पर बाईं तरफ है तो यहाँ पर आ जाएगी दाईं तरफ, देखिए यहाँ पर तो पूरे में मिल रही है ये लाइन, जबकि यहाँ ये पूरे में नहीं मिल रही है, गौर से देखेंगे तो ये लाइन आधे रेखा से मिल रही है, जबकि इस वाले विकल्प में ये लाइन पूरे रेखा से मिल रही है, सी वाला विकल्प जो है। तो ये वाला विकल्प भी कट गया हमारा, ये वाला विकल्प भी कट गया हमारा, केवल कौन से बचे, दो। और दो में से भी देखिए ये वाली जो लाइन इसमें दिख रही है डी वाले में, ये लाइन इसे टच कर रही है इसमें, जबकि इसमें लाइन ये टच नहीं कर रही है, इसे आर पार कर रही है। तो कुल मिला के हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, ये वाला। पेपर में विकल्प चुनने के दो तरीके हैं, या तो सही विकल्प चुन लो या फिर गलत विकल्पों को काट दो और सही को छाट के निकाल लो, क्योंकि चार ही दे रखे हैं। तो हमने इस सवाल में गलतों को काट दिया है और सही हमारा अपने आप निकल कर आ गया है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगली इमेज है हमारी, इस इमेज का हमारे इस तरफ रखा है, यानी कि बाया का दाया हो जाएगा और दाया का बाया हो जाएगा, यानी कि प्लस जो है वो इस तरफ आ जाएगा और ये वाला जो निशान है वो इस तरफ आ जाएगा और ये हिस्सा भी हमारा इधर चला जाएगा और तीर का निशान हमारा ऐसे आ जाएगा इस तरफ। तो हमारे तीर का निशान इस तरफ केवल इन तीन आकृतियों में है, ये तो वैसे कट गया। इसके बाद हम देखेंगे ऊपर वाली इमेज हमारी इस तरफ आ गई है इसमें, तो ये वाले उत्तर हमारा सही होगा, ठीक है, क्योंकि इस इमेज में ये ऊपर वाली नीचे उतार, जबकि वो उतरेगी नहीं, और इस इमेज में सेम टू सेम प्लस का प्लस और उस चौकोर का चौकोर इस तरफ रख दिया, जो कि नहीं होगा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा हमारा, बी वाला। अगली आकृति हमारी इंडिया की मिरर इमेज बनानी है एक तरह से। तो इंडिया की मैंने आपको शुरू में बताई थी अभी कि आई कैसे बनता है, एन कैसे बनता है, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने जो शुरू में दिखाया था वीडियो के, देखिए आई, आई का कोई परिवर्तन नहीं होता, एन का इस तरीके से इमेज बनती है, डी ऐसे बनेगी, आई फिर ए, और ए का कोई नहीं होता, यानी कि इस इमेज जो हमें दी हुआ है सवाल, इस सवाल में तीन ऐसे अक्षर हैं जिनकी तो इमेज ही परिवर्तित नहीं होती, जैसे आई, आई और ए, ये तो सेम रहेंगे, एन हमारा बदल जाएगा और डी बदल जाएगा। तो हमारे आई, आई, ए किस किस में सेम, देखिए इसमें ए उल्टा हो रहा, जो कि होगा ही नहीं, मिरर इमेज में ए उल्टा नहीं होता। दूसरा और कौन सी आकृति में हो रहा है, देखिए ए उल्टा इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, दो तो कट गए, इसमें ए इधर आ रहा है, और बायां का दायां तो हमें याद रखना ही है, तो बायां का दायां याद रखना, तो ए इधर आएगा, आई इधर आएगा, तो ए शुरू में किस किस में आ रहा है, इस वाले में और इस वाले में। मिरर इमेज में हमें उल्टी इमेज के साथ साथ बायां का दायां भी याद रखना, यानी कि ए ऐसे का ऐसे तो रहेगा ही, पर बाएं से दाएं में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ए शुरू में हमारे इन दो में आ रहा है, तो इन दोनों विकल्पों में कोई ठीक होगा, कि इस तरफ था हमारा सीधे हाथ की तरफ, इन दोनों में आ रहा उल्टे हाथ की तरफ, जो कि सही है। उसके बाद हम देखेंगे कि उल्टे अक्षर किस में बन रहे हैं, तो आई एन डी आई ए, आई एन डी आई ए, तो ये हमारा विकल्प जो है सही है, क्योंकि इसमें हमारा एन पिल देखिए सीधा दे रखा है यहाँ पर, जबकि एन हमारा हो जाएगा उल्टा, ठीक। अगला देखते हैं ये वाला सवाल, ये हमारी मिरर इमेज है, तो ये वाली जो आकृति है इसमें यहाँ पे वो इधर पहुँच जाएगी और जो ये चौंच है इसकी वो इधर आ जाएगी, और जो काले वाली आँख है इसकी ये दे रखी है काले वाली, ये इधर आ जाएगी, ठीक है। तो कौन सी इमेज बनेगी, देखिए ऐसी इसमें देखिए आँख इसी तरफ है तो ये वाली तो नहीं होगी, इसमें आँख इस तरफ है, चौंच इस तरफ है, तो ये वाला आंसर हमारा सही होगा। इसमें देखिए चौंच नीचे हो गई है और इसमें जो काली वाली आँख है इसकी वो इसी हाथ की तरफ है, जबकि ये पलट के इस तरफ जानी थी, तो ये गलत होगा। अगले सवाल में ये अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट हैं, इन्हीं की मिरर इमेज बताने, तो वाई की मिरर इमेज देखिए इसमें सही है, एम की सही है, ओ की सही है, जेड की भी सही है, इसमें एम की सही है, वाई की गलत है, एम वाई तो बदलेंगे नहीं, देखिए वाई जो है इस तरफ आएगा, एम इस तरफ आएगा, जेड इधर और ये इधर, यानी कि बायां का दायां होगा, दायां का बायां, तो देखिए इसमें तो इमेज बदली नहीं, तो ये तो गलत, इसमें इमेज बदली है पर देखिए एम और वाई जेड का उल्टा ही नहीं हुआ, तो ये भी गलत।
इसमें हमारी बदली भी है इमेज और उल्टी भी हुई है चीज़ें, यानी कि वाई हमारी इधर से इधर आ गई देखिए, और एम हमारी इधर से इधर आ गई, जो कि बिल्कुल सही है, दर्पण में ऐसे ही होता है। जेड हमारी इधर से इधर आ गई और उल्टी भी हो गई है, और ओ हमारी उल्टी भी हो गई है। तो विकल्प हमारा इसमें हमारा सी वाला सही है। अगले की तरफ चलते हैं। इस सवाल में हमें बताना है मिरर इमेज, मिरर हमारा यहाँ रखा हुआ है, तो बायां का दायां हो जाएगा और दायां का बायां। तो जो यहाँ पर ये वाला बिंदु है ये इस तरफ आएगा और ये वाला बिंदु इस तरफ जाएगा, और ये निशान हमारा इस तरफ आ जाएगा और सीधा की तरफ, और ये उल्टे हाथ की तरफ। तो हम देखेंगे किस आकृति में जो ये जीरो बन रहा है ये हमारा दाएं हाथ की तरफ, यानी कि इस तरफ आ गया। किस किस आकृति में है ये? तो ये इस वाली आकृति में है और इसमें है, तो बाकी ये दोनों तो काट दो, ठीक है, क्योंकि बाया का दाया करना है। अब इन दोनों में देखेंगे, ये वाली आकृति देखिए बिल्कुल सेम बन रही है, और इसमें देखिए ऊपर वाली आकृति तीर का निशान हमारा इसमें इस तरफ है, जबकि ये इस तरफ आ जाना चाहिए, यानी कि यहाँ से इस तरफ आएगा ये तीर का निशान, इसमें सही है, तो ये वाला उत्तर हमारा सही होगा। ऊपर का नीचे नहीं होगा, काला ऊपर है तो काला ऊपर रहेगा, जबकि इसमें काला जो है नीचे आ गया है, तो ये वाला उत्तर भी हमारा गलत है। अगले की तरफ चलते हैं। ये भी हमारे दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो इसमें आकृति जो है इस आकृति की दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे, तो ये वाला जो हिस्सा इस तरफ ऐसे उठ रहा है वो दर्पण में हमारा इस तरफ उठेगा, जैसे इस आकृति में है और इसमें है, तो ये दोनों आकृति तो हमारी वैसे ही कैंसिल हो गई, ठीक है, तो इन्हें तो छोड़ ही दो। अब दर्पण में केवल दाएं का बाएं होता, ऊपर का नीचे, अगर इसमें इस आकृति में काला हिस्सा नीचे है दोनों में, इसमें काला हिस्सा ऊपर है, इसमें काला हिस्सा इस तरीके से, तो ऐसे ही होगा। तो इस हम देखेंगे इस आकृति में काला हिस्सा देखिए नीचे, जबकि यहाँ काला हिस्सा आ गया ऊपर, तो ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत, तो बचा कौन सा हमारा? ये वाला, तो सी वाला उत्तर हमारा सही होगा। अगली आकृति है हमारी, इसमें बताना दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए डी का दर्पण, डी हमारा इस तरफ आ जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब इसका उल्टा होके बनेगा ये वाला। बाकी इसमें डी का तो देखिए ये गलत है, क्योंकि इसमें डी का इधर से केवल इधर आना है और काला वाला इधर से इधर जाना है, इसमें ये गलत, और इसमें डी सीधा का सीधा, तो ये गलत। यानी कि तीनों विकल्प बहुत आसानी से गलत पता चल गए, तो चौथा विकल्प कौन सा बचा? वही हमारा सही है, क्योंकि सारे तो गलत होंगे नहीं, तीन विकल्प हमें गलत पता चल गए तो चौथा हमारा सही पता चल जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है, देखिए ये वाला काला हिस्सा इस बार इधर आ जाएगा, यहाँ बार काला हिस्सा इस बार इधर आ जाएगा, यानी कि ये पलट जाएगी इमेज, और इसमें हमारा उत्तर बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल चलते हैं, लास्ट के फाइव क्वेश्चन है, फोर क्वेश्चन। ये आकृति दी हुई है हमें, इस आकृति को बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये वाली काली आंख जो है वो आ जाएगी इस तरफ, और जो इस तरफ वाली जो काली आंख है वो चली जाएगी इस तरफ। तो देखिए पहले आंखों को मिला के कर दिए, गलत हो गया, देखिए इसमें दोनों आंखें एक सी हैं, और हमारा कौन सा गलत है? और कोई सा गलत नहीं है, देखिए ये ऊपर है इसमें काला काला, और इसमें काला काला ऊपर है तीनों में ही। इसमें जब ये आकृति इधर जाएगी तो इसमें काला नीचे है, काला नीचे है, काला नीचे है, इसमें ये वाला हिस्सा काला है, तो इसमें दर्पण में ये वाला हिस्सा काला होगा, तो ये वाला हिस्सा इसमें काला है और इसमें काला, तो ये वाला हो गया गलत। बचे कौन से? दो बचे हैं बस हमारे मैदान में। अब देखते हैं इसके बीच की नाक को हिस्से को, इसमें ये वाला हिस्सा काला है तो इसका उल्टा हिस्सा इस बार काला होगा, इस बार काला हमारा होगा कौन सा हिस्सा? ये वाला, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा किस में काला है हमारा? इस वाले में काला है, तो इसका हमारा ए वाला विकल्प ठीक होगा। ठीक, अगले में हमारा दर्पण प्रतिबिंब डी बी एल ई दे रखा है, और ये जो तीर के निशान है इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर दर्पण में इधर से इधर देखेंगे, इधर से इधर, तो बिल्कुल सेम है, तो ये एक से आएंगे, केवल डी का, बी का, एल का, ई का उल्टा देखना है बस हमें। तो डी का उल्टा ये सही है, बी का सही है, एल का सही है, ई का सही है, तो ये ही वाला हमारा उत्तर सही होगा। तीर के निशान भी इसमें बिल्कुल सही लग रहे हैं। अगला है हमारा, ये आकृति दी हुई है, स्टार बना हुआ है इसके बाद ये, तो स्टार बाएं हाथ की तरफ है हमारा, तो ये जब दर्पण में देखेंगे तो आ जाएगा दाएं हाथ की तरफ। दाएं हाथ की तरफ कौन से आंसर में है? देखिए इसमें हमारा दाएं हाथ की तरफ है ये, और किसी में नहीं, इसमें गलत, ये देखिए ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो यही हमारा आंसर निकल के आ गया एक बार में ही। बस बाएं दाएं वाला रूल आपको जरूर याद रखना इन सवालों में। अगला है हमारा, एक झोपड़ी है और इसके पास ये भी लाइन है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, तो ये जो इसके पास जो है ये छोटा सा हिस्सा ये आ जाएगा हमारा दर्पण के, यानी कि सीधे हाथ की तरफ, इस तरफ आएगा ये, तो इस तरफ किस किस इमेज में बना हुआ है? ये इसमें बना हुआ है और इसमें, ये दर्पण की इमेज जो उल्टी कर दी है तो गलत हो गए दोनों। इसके बाद हम देखेंगे ये काला वाला हिस्सा जो इस तरफ बना हुआ है काली खिड़की, वो इस तरफ आ जाएगी इस बार, तो काली खिड़की सीधे हाथ की तरफ किस में है? इसमें है हमारा, तो इसमें हमारा डी वाला उत्तर सही होगा।
तो आज की वीडियो में यही सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल दाएं बाएं का याद रखना है, बायां दाएं का याद रखना है आपको, तो आप इन सवालों को पेपर में जरूर कर जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो लगातार अपडेट होती रहती हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।